पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण का विकराल रूप फिलहाल देखा जा रहा है, उसी को लेकर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम क्राइसिस मैनेजमेंट की पूरे प्रदेश की बैठक ली थी, जिसमें अभी फिलहाल में सब जिस प्रकार से निर्णय लिया गया उसमें सबसे बड़ी बात है कि इंदौर और पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ सभी स्कूलों को, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या निजी स्कूल हो, पहली से 12वीं तक के जितने भी स्कूल हैं सरकारी और निजी स्कूल, सभी स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है आने वाले 31 जनवरी तक, क्योंकि जिस प्रकार से संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ी है उसी को देखते हुए यह अहम निर्णय यहाँ पर लिया गया है। उसी के साथ उन्होंने कई ऐसी सुविधाएं हैं जिसको अभी फिलहाल पर 50% करने की अनुमति दी है, जिस प्रकार से कई ऐसे आयोजन हैं जो अलग अलग हॉल में या किसी प्रकार के जो समारोह के कार्यक्रम होते हैं उसमें फिलहाल सिर्फ 50% की अनुमति यहाँ पर दी गई है। उसी के साथ साथ यहाँ जिस प्रकार से लगातार संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है उसी को देखते हुए कई ऐसे कार्यक्रम स्थगित किए हैं, जैसे हम आपको बता दें कि या तो अगर धरना प्रदर्शन की जो अनुमति है वो अभी फिलहाल कभी नहीं मिलेगी जब तक संक्रमण की रफ्तार इसी प्रकार से बढ़ी हुई है, उसी को देखते हुए जो सामाजिक संगठन के कार्यक्रम होते हैं उसको भी स्थगित किए गए हैं, रैलियों को यहाँ पर बंद किया गया है क्योंकि जो संक्रमण है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। उसी के साथ जो निर्णय यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने लिए हैं वो काफ़ी अहम निर्णय है। फिलहाल में पूरे मध्य प्रदेश में यही देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का जो इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर, ये जो चार शहर हैं सबसे बड़े हॉटस्पॉट है, जिसमें इंदौर सबसे ऊपर है। इंदौर में जो संक्रमण का दर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है फिलहाल, लेकिन यही देखा जा रहा है कि जो संक्रमण का दर है वो काफ़ी कम संक्रमित मरीजों का है जो फिलहाल होम आइसोलेशन में अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन अगर आने वाले समय की बात करें तो इंदौर ज़िले के मुखिया कलेक्टर मनीष सिंह की माने तो उनका यही मानना है कि आने वाले समय में 1 फरवरी से 13 फरवरी तक यह जो कोरोना संक्रमण का की जो रफ्तार है वो काफ़ी पिक पर रहेगी। लगभग 7,000 से अधिक मरीज कहीं ना कहीं अन्य अस्पतालों में भर्ती रहेंगे या फिर लगातार इस प्रकार के जो मरीज है वो 7,000 तक के मरीज जो है यहाँ पर लगातार डेली मिलने की संभावना शायद उन्होंने जताई है। इसी को लेकर ये एक यहाँ पर अनुमानित उन्होंने बताया है कि ये इस प्रकार से ट्रेंड हो सकता है, अगर हम अभी नहीं संभलेंगे तो ये जो ट्रेंड है हमको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अगर हम अभी मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज करेंगे या फिर जो बाज़ार है उन बाज़ारों में कम जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम उसका पालन नहीं करेंगे, हम उसका कहीं ना कहीं अनुसरण नहीं करेंगे तो हमको इस संक्रमण से जूझना पड़ेगा, हमारे शहर को इस संक्रमण से जूझना पड़ेगा। और अब आने वाले समय में हो सकता है कि अगर इस संक्रमण की दर इसी प्रकार से बढ़ती रहे, अभी फिलहाल में बताया जा रहा है कि जो निजी अस्पताल है उनमें 2% के आसपास ही यहाँ पर लोग भर्ती हो रहे हैं, लेकिन आने वाले फरवरी की बात करें तो फरवरी में इसका आंकड़ा बढ़ के 4% हो सकता है, जो काफ़ी यहाँ पर डराने वाला एक आंकड़ा सामने आ रहा है। लेकिन अब हमें यही सोचना है कि हमें खुद को किसी न किसी प्रकार से घर में, हमको लॉकडाउन हमारे ही घर में लगाना पड़ेगा, शहर में नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अगर शहर में इस प्रकार के प्रतिबंध अगर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है, लोगों के जो रोज़गार है उस पर फर्क पड़ेगा। अब यही मानना है इंदौर के लोगों का कि अब हमको किसी प्रकार से यहाँ पर संक्रमण से खुद बचाना है, खुद को जूझना है और मास्क सैनिटाइज का प्रयोग करना है, घर से बाहर जब भी निकलना है, जब आपको ज़्यादा अगर किसी प्रकार का काम है तो ही आपको घर से बाहर निकलना है, नहीं तो आप अपने घर में ही रह सकते हैं। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।